समझा गया? ये देखो, ये b वेक्टर, ये a वेक्टर और ये थीटा, पूछा इसका रिजल्टेंट निकालो, क्लियर? तो मुझे दो वेक्टर का एडिशन के बारे में ये बोला गया कि ये जो नॉर्मल एडिशन मैं जानता हूं कि दो रुपए दे दिए गए, चार रुपए दे दिए गए, टोटल छह रुपए दे दिए गए, या फिर चार रुपए दे दिए गए, एक रुपए वापस ले लिया गया तो टोटल तीन रुपए दे दिए गए, वो रूल यहां पर नहीं लग सकता जी। तो मैंने सोचा कि जो चीज मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूं। तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, तो मैंने ए वेक्टर के दो कंपोनेंट ले लिए, क्या एक बी की डायरेक्शन में चला जाएगा और एक बी के परपेंडिकुलर चला जाएगा, यस। क्यों? क्योंकि मैं ये तीन चीज जानता हूं कि दो सेम डायरेक्शन में हो ऐड कर दो, दो अपोजिट डायरेक्शन में हो सब्ट्रैक्ट कर दो, दो परपेंडिकुलर हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो मैंने इसका जो कंपोनेंट लिया बेटा, तो एक हुआ ए कॉस थीटा जो एंगल के साथ, और एक साइन थीटा जो एंगल के परपेंडिकुलर था। तो जब इसका कंपोनेंट ले लिया तो ये गायब हो गया क्योंकि इसको आपने ब्रेकअप कर दिया। तो आपके पास नेट ये दिख रहा है, अब न्यू डायग्राम ये देखिए बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्या कर देंगे इसे जोड़ देंगे क्योंकि हमें पता है, फिर एक इसके परपेंडिकुलर है तो ये नया निकल के आया कौन सा है, एक ये वाला, और ये दोनों जुड़ करके बन गए ए कॉस थीटा प्लस बी, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये रख गया बेटे रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इतना। अब रही बात डायरेक्शन, तो मान लो कि ये अल्फा एंगल है, क्या बेटे अल्फा एंगल, तो अगर ये अल्फा है बेटे तो ये क्या कहलाएगा बेस, ये क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस, ये क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर। आप किसी भी रिलेशन में दे सकते हो क्योंकि आपको हाइपोटेनियस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और बेस भी पता है, बट जनरली तरीका ये है कि ये जो आपने हाइपोटेनियस यानी रिजल्टेंट निकाला है वो तो इन दोनों के बाद निकाला ना, तो हो सकता है मैग्नीट्यूड आपसे ना पूछा गया हो, सिर्फ डायरेक्शन ही पूछा गया हो। तो ये दोनों जब पता है और नहीं भी पता है तो भी कम से कम टेन थीटा तो अप्लाई कर ही सकते हो ना, बाकी कॉस थीटा या फिर साइन थीटा के लिए ये चीज निकालना जरूरी है। तो आप जनरली क्या करते हो बेटे, टेन थीटा में आंसर देते हैं, तो टेन ऑफ अल्फा दैट इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया बेटे ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये एंगल, क्योंकि ट्राइंगल लॉ और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में भी यही फॉर्मूला यूज होना है बेटे, क्योंकि ट्राइंगल लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यही से पैदा हुआ है, उसका भी बेसिक यही है बेटे, ठीक है। तो ये जो एंगल निकाला जाता है वो भूल जाते हैं बच्चे कि वो किसके साथ है, डी के साथ है, ए के साथ है, रिजल्टेंट के साथ है, किसके साथ है, क्लियर। तो ये चीज पक्का पता होता है कि रिजल्टेंट का एंगल है ये, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट के साथ होगा, बट किसके साथ, ए के साथ, बी के साथ, किसके साथ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को गौर से देखो बेटे, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और बी, ये तीन टर्म है, दैट मींस ए हैज बीन डिवाइडेड इनटू इट्स कंपोनेंट, है ना, और बी को आपने डिवाइड नहीं किया है, इसका मतलब बी एज इट इज अपनी जगह पे होगा, तो दिस एंगल विद बी वेक्टर, समझ में आया या नहीं आया। अगर आपने यहाँ पे बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा प्लस ए ऐसा लिखा होता है, इसका मतलब ए के साथ होता है, ठीक है, दिस इज एंगल विद बी वेक्टर, बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है द वेक्टर whose component hasn't been checked, whose component hasn't been checked, समझे या नहीं समझे बेटे, जिसका आपने कंपोनेंट नहीं लिया है उसके साथ है, क्लियर, पक्का समझ में आया। हमें एफ नेट निकालना है, अगेन फिर से वही वाली बात बेटे कि एक 30 न्यूटन इधर लग रहा है, एक 20 न्यूटन इधर लग रहा है, तो हमने ये सोचा कि अगर ये 20 भी इधर लग रहा होता, बहुत सिंपल होता 50, ये 20 इधर लग रहा होता तो
तो 30 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ऐसा है नहीं है। तो जैसा मैं जानता हूं उस तरीके से पहले इसे चेंज करता हूं। तो मैंने क्या किया बेटे, इस 20 न्यूटन का कंपोनेंट ले लिया, तो ये 30 डिग्री है तो इस डायरेक्शन में 20 का कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 30, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ये कितना 20 sin। क्लियर? अब 20 का कंपोनेंट लिया तो ये गायब हो गया बेटे, आपके पास क्या बचा, ये नहीं, एक ये बचा और एक ये बचा, ये कितना बचा 20 sin 30 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये क्या बचा बेटे 30 और प्लस ये वाला 20 cos 30, तो ये हो गया बेटे 30 प्लस 10 रूट 3। क्लियर? रूट 3 को 1.7 लेकर के चलो बेटे, तो ये हो जाएगा आपका 47 न्यूटन। कोई डाउट? यानी दिस इज 10 न्यूटन एंड दिस इज 47 न्यूटन। अब इसका रिजल्टेंट चाहिए। अब इतना तो पता है ना मुझे कि अगर वेक्टर इधर और इधर हो तो रिजल्टेंट किधर आता है, दिख रहा है? क्या लगाना है इसमें? पाइथागोरस लगा दे बेटे, 47 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर का। क्लियर? तो रिजल्टेंट आपका क्या आ गया बेटे, 47 स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज एंगल, लेट दिस इज अल्फा एंगल। तो देखो बेटे कि अगर ये रिजल्टेंट का एंगल ये अल्फा है तो इस अल्फा के लिए बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है और परपेंडिकुलर ये है ना। क्लियर? तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा बेटे, टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 10 न्यूटन। क्लियर? और बेस कितना बेटे 47, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटे 10 इनवर्स 10 बाय 47। और ये अल्फा किसके साथ एंगल बना बेटे, अल्फा किसके साथ एंगल है 30 न्यूटन, तो दैट इज एंगल विद। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो जरूरी नहीं है आपको कि ट्रायंगल लॉ, लॉग पैरेललोग्राम ये सब याद करें, पहले आप ये समझ लो बेटे कि वेक्टर को ऐड करना है। बोला कि नहीं ऐसा ऐड नहीं होता जैसा तुम जानते हो, तो आपको चेंज करना है उसको कि जैसा मैं जानता हूं वैसा कैसे कर सकता हूं। तो बेस्ट थिंग क्या था बेटे, इस 20 न्यूटन जो ऑब्लिकली रखा हुआ है उसको मैंने ब्रेक कर दिया, कैसे, एक इसकी डायरेक्शन में एक इसके परपेंडिकुलर, ताकि मुझे पता है कि जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं अगर दोनों उसी डायरेक्शन में है तो ऐड कर दो, दोनों अपोजिट हैं तो माइनस कर दो, दोनों परपेंडिकुलर हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो जो चीज मैं जानता हूं उसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कंपोनेंट अप्रोच। ठीक है?